हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत कर रहे हैं अपन ई कॉमर्स के इस टॉपिक के बारे में और इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हुए ई कॉमर्स में सुरक्षा आज 17 नंबर के टॉपिक पर बातचीत करेंगे। देखिए क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक समझ लेते हैं ताकि अपना जो टॉपिक बिल्कुल सरल हो जाए। देखिए ई कॉमर्स में सुरक्षा के वैसे तो अनेक तरह के बताए गए, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो अपने आती है इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे अगर इसका सॉफ्टवेयर सही होगा तो आप कोई भी सूचना क्या होगी लीक नहीं होगी और डाटाबेस आपका जो है लीक नहीं होगा। पेमेंट जो है केवल इसी के खाते में जाएगा, वो इसके कुछ रिक्वेस्ट है वो आपको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ विशिष्ट इसके अंतर्गत बताया जा रहा है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर काम आता है SSL। देखिए SSL क्या होता है और दूसरा जो काम आ रहा है आपके डाटा बेस वल्नरेबिलिटी इसके अंतर्गत आ रही है। तीसरा इसके अंतर्गत आ रहा है शॉपिंग कार्ड की जो है वल्नरेबिलिटी इसके अंतर्गत आ रहा है। चौथा है यूजर नेम का जो है पासवर्ड है उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे थोड़ा। और पांचवा और लास्ट है रिसेंट पैचेस को इंस्टॉल करना। देखिए क्या होता है SSL क्या है क्या नहीं है उसके बारे में अपन थोड़ी सी बातचीत करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। बिल्कुल एक छोटे छोटे पॉइंट है आपको बता देते हैं ताकि आपको बिल्कुल जो बेसिक है वो क्लियर हो। देखिये SSL का जो पूरा नाम है सुरक्षित सॉकेट लेयर है, सुरक्षित सॉकेट लेयर है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया नेटवर्किंग के अंदर टोटल 7 लेयर रहती है, तो 7 लेयर के अंदर अलग अलग सभी का काम होता है, उसी प्रकार से इसमें भी अलग अलग जो है काम होता है। सभी प्रकार की गुप्त सूचनाएं हैं जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सूचना से संबंधित जो है इसके अंतर्गत जो है कार्ड से संबंधित सूचनाएं नेट बैंकिंग संबंधित है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से संबंधित सूचना है और फोन पे से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन है वो इस लेयर के अंतर्गत आपका सुरक्षित रहता है। देखिए इसमें क्या होता है दूसरी जो लेयर आपके डाटाबेस वाली लेयर उसमें SQL क्वेरी में यदि कोई उपयोगकर्ता का गलत एंट्री कर देता है तो वो इसके अंतर्गत असुरक्षा रहती है। और दूसरा है इसके अंतर्गत कि जो है गलत उपयोगकर्ता है उसका जो डाटाबेस बचाने के लिए है इसके ऊपर फायरवॉल होना चाहिए और डाटाबेस के पासवर्ड जो है प्रयोगकर्ता का नाम और वेब पेज पर नहीं दिखाना चाहिए, जिससे कि इसकी सूचनाएं से अपन बच सके और कोई भी सूचना इसकी हैग नहीं कर सके, कोई भी सूचना इसकी चोरी नहीं कर सके। जो भी व्यापारी ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं उनके अकाउंट का नाम और पासवर्ड सुरक्षित रखे जाने चाहिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है। देखिए इसमें जो इस जो पार्ट के अंतर्गत क्या है कि गणना से संबंधित जो भी पार्ट है वो आपके इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। अब है आपके इसके अंदर उत्पाद लागत को ऑनलाइन फॉर्म में दिए हुए पैरामीटर में दिए हुए होते एक जो आपको फॉर्म मिलता है उसके अंदर जो है इसकी पूर्ण रूप से टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है उसको फॉलो करना पड़ता है और उसको पूरा करना पड़ता है। उसको पूरा करने के बाद में ये वाला जो है आपके काम करता है, जो कार्ड का जो निकालने का जो पेमेंट है जो चार्ज है वो भी निकालने के लिए इसके प्रयुक्त करते हैं और इसकी जो लागत है इसमें बदलाव होता है। परेशानी से बचने के लिए लागत में डाटाबेस को दिखाना न कि फॉर्म में दिखाना। दूसरा और इम्पोर्टेंट बात है आदान प्रदान बदलाव से भी इसी का प्रयोग करते हैं अपन। तीसरा है जब व्यापारी क्रेडिट कार्ड चार्ज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तब यदि इस व्यापारी को आईडी वेबसाइट फॉर्म पर दिखती है तब इस आईडी को हैकर द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। इससे जो है बचने के लिए हमें हमेशा जो है अपने नंबरों को जांचना चाहिए और कंपनी कभी भी आपको किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपका जो है पासवर्ड वगैरह नहीं मांगती है, उससे भी अपन को बचना चाहिए। देखिए जो कई व्यापारी है इसको अब इसमें जो क्या आता है आपके उपयोगकर्ता का पासवर्ड में कई व्यापारी है जो इसको जो पासवर्ड से बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको प्रत्येक जो 6 मंथ के अंतर्गत आपको जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह इसका यूज लेना चाहिए और पासवर्ड चेंजिंग की जो प्रक्रिया है उससे भी आपको इसके अंदर गुजरना चाहिए। अगर ये होगा तो आपका ठीक है, नहीं तो आपको पासवर्ड का जो है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी होता है आपको पासवर्ड को जो है रीसेट भूलने पर करना चाहिए तो इसके अंतर्गत आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना चाहिए। रीसेंट परचेज को क्या है इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर और बग इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट रहती है और इसमें क्या होता है हैकरों द्वारा इसको जल्दी से जल्दी सारे सॉफ्टवेयर को
आपको क्या करना चाहिए, इसके अंदर जो भी है अपडेट, ज्यादा से ज्यादा अपडेट रहना चाहिए। ऐसे नहीं अपडेट नहीं रहेंगे आपका तो सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं करेगा। तो ये जो ई कॉमर्स में सुरक्षा के दृष्टि से आपने देखा टोटल 5-6 पॉइंट अपन ने देखे और इसके बारे में अपन ने जानकारी ली। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको आगे अपने ग्रुप के अंदर जरूर इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।